ताज़ा तरीन खबरें और सहाफिया बल्कीस सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि वो फर्द वाहिद के इख्तियारात के खिलाफ हैं। इसका क्या मतलब है अली जान? भाई वो अपने खिलाफ बयान देने से तो रहे, किसी और फर्द वाहिद की बात कर रहे होंगे ना जिसके पास ज्यादा इख्तियारात होंगे। कहीं उनका उल्टा इशारा प्राइम मिनिस्टर गिलानी की तरफ तो नहीं? हो सकता है, मगर सोचने की बात तो यह है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि असेंबली तोड़ने के इख्तियार से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है, मगर असेंबली में तो सारे अपने लोग हैं, उन्हें असेंबली तोड़ के मिलेगा क्या? इसका मतलब है कि सदर सिर्फ एक आईनी सदर बनकर रहना चाहते हैं और बाकी इख्तियारात वो वजीर आजम को मुंतकिल कर देंगे। उनका कहना है कि वो फर्दे वाहिद के इख्तियारात के खिलाफ है। चाहते क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यही तो वो चाहते हैं। जम्हूरियत की बड़ी बड़ी बातें करते नजर आते हैं, लेकिन मुझे किसी सियासी पार्टी में ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। अब देखिए ना मैम, काफ लीग में भी कब्जे का झगड़ा शुरू हो गया। काफ से कब्जा ही होता है ना। किसने किया जी कब्जा, किस चीज पर? तुम अपना काम करो, ये तुम्हारा मसला नहीं है। ना जी, मेरा मसला क्यों नहीं है? हमारी वोटों से जाते हैं असेंबली में, मैं क्यों ना बोलूं? अच्छा, तुम ऐसा करो कि बाहर लॉन में जाकर बोल लो जितना बोलना है। मैम जमात इस्लामी को देखें, कैसे सरबरा बदलते हैं, जमहूरियत तो है ना उसमें। जमात इस्लामी वो तो जी हमेशा से आमिरों की हमायत करती आ रही है। काजी साहब ने मुशर्रफ की मुखालफत नहीं की थी, मौदूदी ने अयूब के मुकाबले में फातिमा जना की हिमायत की थी और यही इस मुल्क की तारीख का टर्निंग पॉइंट था। बीबी जी, आप हमारी इतनी सारी बातें कैसे जानती हैं? बीबी जी पढ़ती रहती हैं ना, तुम्हारी तरह हर वक्त इजी लोड नहीं करवाती रहती। अच्छा अच्छा, आपका बिल वाला फोन होगा। मैं तो जी बिजली का बिल नहीं देख सकती, फोन का बिल का बर्दाश्त करूंगी। बीबी जी, मैंने सुना है कि एक बंदे ने बिजली का बिल देके खुदकुशी कर ली। एक ने नहीं की, बड़ों ने की है। मैम आपका क्या ख्याल है, यहाँ जमहूरियत का क्या मुस्तकबिल है? मेरे जैसे लोग आगे आएंगे ना तो फिर गड्डी के आगे ना आ जाएं। एजुकेशन बहुत जरूरी है, सोसाइटी जितनी एजुकेटेड होगी जमहूरियत उतनी स्ट्रांग होगी। जानती हो इन सियासतदानों से ये सिस्टम क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि ये सब आउटडेटेड हो चुके हैं। वो कैसे? क्योंकि सब कुछ बदल चुका है। हाँ जी, मेरा हेयर स्टाइल भी बदल गया। अदलिया बहाली तहरीक में तुम लोगों ने यूथ को नहीं देखा, सिविल सोसाइटी का मूड नजर नहीं आया। मैम इसका मतलब है कि दो चार इलेक्शनों में छांटी हो जाएगी। यकीनन। हाँ अगर वो हुए तो। अब मीडिया, सिविल सोसाइटी और यंग जनरेशन ये सब कुछ करवाएगी। मैं मुझे तो डर लगा रहता है कि वो मुशर्रफ साहब ही वापस ना आ जाएं कहीं। तुम डरना छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा।